press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक सेंसिटिव वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और वहां पे लाखों महिलाएं सड़क पर है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकजी, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज जब मैं माँ के चरणों में फूल चढ़ा रही थी तो बंगाल में जो एक वातावरण है, जो संदेश खाली की जो घटना, हॉरर घटना जो हमारे सामने आई है, कहीं एक तरफ पुरुषों को देख रहे हैं कि देवियों के चरणों पे फूल चढ़ाया जा रहा है और कहीं एक तरफ देख रहे हैं कि उनके वस्त्र उतारे जा रहे हैं, तो बहुत बुरा फील हो रहा था, आंखें भर गई थी। पर सभी को, आपके साथ साथ देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सरस्वती माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है, विद्या की देवी है वो। मुझे लगता है कि बंगाल को विद्या की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये संदेश खाली की जो पूरी घटनाक्रम है उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कैसे वहां की महिलाएं अब बयान दे रही हैं, उनसे किस किस तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है। और बीजेपी ने आज जो वहां पर प्रदर्शन किया था, वहां पर भी आप देखिए किस तरह से मार पिटाई हुई है। एक तरफ हल्द्वानी में अंजू जी, हम लोगों ने मुसलमानों के हाथ में पत्थर देखा, और अगर आप टीवी चैनल उठाकर देखिएगा तो संदेश खाली में पुलिस के हाथ में पत्थर था और पत्थर फेंक रहे थे पत्थरबाजों की तरह। मैं दंग नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ये मैंने 2019 में भी भरपेट देखा है, 2018 में देखा है, मेरी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई है, 2021 में मेरी गाड़ियां तोड़ी गई है, मेरे साथ साथ जो लीडर्स जाते थे उनकी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई है। गाड़ियों में हम लोग दुबके रहते थे और सामने में बम गोली बारूद चलता रहता था। तो ऐसे सिनेरियो को मैंने तो अपनी नजरों से 2018 से लेकर के 2024 तक मैं अनगिनत देखा है, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ जितना देख लिया है मैंने। लेकिन अब ये मैटर जो है नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपने हाथ में ये मामला लिया है और अमित शाह जी अगर इस पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो जेल की हिरासत में जरूर जाएंगे। पर कब बेल हो जाता है ऐसे लोगों का, बलात्कारी भी छूट जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि हम दोनों महिलाएं बैठे हैं अभी सामने में, तो अगर हम अपने जात के वफादार नहीं होंगे तो हम किसी के भी वफादार नहीं हो सकते हैं। जब भी बात महिलाओं के मान सम्मान और इज्जत की आती है, मैं उस वक्त किसी पार्टी की नहीं रह जाती हूँ, फिर मैं सिर्फ एक महिला रह जाती हूँ। बिल्कुल, लेट्स सी। मैं तो हमेशा ऑलवेज टेक इट सो। अभी जो हम हमेशा बड़े बेबस से महसूस करते हैं जब इस तरह की घटनाओं में सीधे सीधे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है जो कि जिम्मेदार होते हैं। आप देखो ना, अगर पुलिस के हाथ में ही पत्थर है तो फिर क्या कहेंगे, जिनको रखवाली करनी है वो रक्षक की भक्षक बने घूम रहे हैं अगर बंगाल में, तो फिर कोई कहाँ जाकर गुहार लगाएगा। पर अभी जब कुछ कानून बदले हैं, बदलाव हुआ है पुराने 150 साल पुराने कानूनों में, तो हम ये मानकर चलें कि अब जब नए कानून लागू होंगे तो इस तरह के लोग बच नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कानून में आए हैं, और राजीव गांधी जी की बहुत पुरानी अगर आप स्पीचेस उठा करके सुनेंगी तो अपनी स्पीचेस में भी उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो कानून बदले जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, पर उसको जीरो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में तो समय लगेगा अभी। बिल्कुल, और जैसे हम लोग देखते हैं कि मंदिर मस्जिद की कोई घटना होती है या राहुल गांधी को रिलीफ देने की बात होती है, तो न्यायपालिका बड़ा बड़ा मतलब एनर्जेटिक हो जाता है, बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। हमें लिस्ट देखना पड़ता है, हमें नंबरिंग देखनी पड़ती है कि अब आएगा मैटर, अब आएगा मैटर। शाहबानो और सायरा बानो ने अपनी इज्जत और मान और मर्यादा के लिए इंतजार किया 1984 से लेकर के 2017 तक। निर्भया ने इंतजार किया 2 डेकेड। कामदुनी को तो खैर जस्टिस मिला ही नहीं, सुजर जॉर्डन को जस्टिस मिला ही नहीं।
लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कि कोई अंजुमन इंतजामिया अगर अपने पिटिशन को डालता है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने पिटिशन को डालता है, शिया बोर्ड अपने पिटिशन को डालता है, तो न्यायपालिका हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है उनकी बातों को सुनने की। लेकिन भारत में महिला की बातों को, उनके दर्द को सुनने की जल्दबाजी बिल्कुल भी न्यायपालिकाओं को नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए, बहुत दुर्भाग्य है। नाज़िया जी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि बहुत सारी घटनाओं का सुओ मोटो ले लेता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है, वो महिलाएं सामने आकर बोल रही कि हमसे ये सबूत मांगे जा रहे हैं कि तुम सबूत दो कि रेप हुआ। हाँ। इस तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं, इतना उनको जलील किया जा रहा है इस वक्त। तो क्या देश की सर्वोच्च अदालत को इस मामले पर सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। या आप सोचिए ना कि वेस्ट बंगाल के वुमेन करेक्शनल होम में जो प्रिजनर थी, जो 196 बच्चों की माँ बन गई है, तो क्या बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है। इंडेक्स और रजिस्टर जो है वो अभी भी हैंड रिटन होता है। पश्चिम बंगाल में जेलों में जो सिग्नेचर होता है ड्यूटी ऑफिसर का, वो अभी भी बड़े बड़े खाते में हैंड रिटन होता है। इतना इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो कि कौन कौन था, पिछले 4 साल 5 साल का डेटा निकाल लो, वो सारे ऑफिसर को जेल डालो, क्योंकि उनको इंटरोगेशन करो, अरेस्ट करने के बाद डिटेन करो, पहले इंटरोगेशन करो और उसके बाद फिर जितनी प्रिजनर है उनको बैठाओ, वो बोली देंगे कि भाई इन्होंने मुझे बुलाया था रात में, इन्होंने मुझे बुलाया था दिन में, इन्होंने मुझे बुलाया था दोपहर में। पर ये करने में भी मतलब न्यायपालिका को शायद वक्त नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है वक्त नहीं मिल रहा है। अब आती है बात कि आपने संदेश खाली की बात कही है, आपको पता है रात में 2-2 बजे जाकर के टीएमसी के लोग उन लोगों को डरा रहे हैं, मर्डर की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अब रेप से तो वो डर नहीं रही है, अब तो वो रेप से डर नहीं रही है, तो अब मर्डर की धमकियां दे रहे हैं। वो कभी खेत में छुप रही है, कभी खलिहान में छुप रही है, कभी दूसरे के घर में जाके छुप रही है, कभी कभी तीसरे के घर में जाके छुप रही है। मीडिया वाले बेचारे वो तो बहुत न्यूज को वाइड स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के भी कान में जाए न्यूज तो ये महिलाएं सुरक्षित हो जाए। लेकिन कोर्ट जो है ना, न्यायपालिका जो है, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात पर जग का थक पड़ा हुआ है। भाई एक कोर्ट को तो कर तो निर्णय ये होना चाहिए कि बात की बात बाद में देखी जाएगी। लाखों महिलाएं रोड पर उतरी हैं, जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है, पहले उनको अरेस्ट करो, बाद में हम देखेंगे कि करना क्या है। अच्छा, उनके उनके फर्स्ट पिटिशन पर जो FIR हुआ है उसको पुलिस ने फाड़ दिया है, उसको फाड़ के फेंक दिया है और कह रहा है हम जो लिखवा रहे हैं वो लिखो, उस पर हम FIR करेंगे। फिर भी न्यायपालिका नॉर्मल है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। और आप जैसे मैं एक चीज और आपको याद दिलाऊं कि अभी कल की खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ी लताड़ पड़ी, क्योंकि राउज एवेन्यू इलाके में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का दफ्तर बना लिया है 2016 से। उस पर बड़े हैरान परेशान थे हमारे CGI, उनको लग रहा था ऐसे कैसे कोई कोर्ट की जमीन पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने कहा कि तुरंत इसको खाली किया जाए और 19 फरवरी को सुनवाई होगी मामले की दोबारा, उससे पहले पहले दोनों पार्टियां आपस में बैठकर इसको सुलझाएं, अतिक्रमण कति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब दिल्ली हाई कोर्ट की बात आई तो देखिए वो अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे हैं कि 4 दिन में खाली करो, लेकिन यही मामले जब हल्द्वानी जैसे मामले पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में या मथुरा जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, जब सड़क के रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ रोहिंग्यास को बसा दिया जाता है, नाज़िया जी जब ये मामले पहुंचते हैं अतिक्रमण के सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। हाँ, ये दोगलापन नहीं है? नहीं, ये तो देखिए एक दो चेहरा तो हम लोग आज से नहीं एक जमाने से देख रहे हैं। अगर वाकई में अंजुमन इंतजामिया के पिटिशन के जितना वैल्यू शाहबानो और सायराबानो के पिटिशन का होता, तो इतना मतलब उसमें जस्टिस आने में 2017 तो नहीं लग जाता, 1984 तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब जाकर के 2015 में मैंने पिटिशन फाइल की हुआ था, फिर शाहबानो जी के साथ वो टैग हुआ, उसके बाद सबमिशन दिए गए और तब जाकर के 2017 अगस्त में 3 तलाक का जजमेंट आया था, हिस्टोरिकल जजमेंट आया। हम भले ही उसको हिस्टोरिकल कह दें, क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया है या जितना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कानून के फील्ड में, मैदान में, मैं देखती हूँ कि महिलाओं से रिलेटेड या सरकारी जमीन से रिलेटेड या मंदिर मस्जिद से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है,
तो कहीं ना कहीं एक एक तरफा चेहरा दिखाई दे देता है न्यायपालिका का, एक तरफा चेहरा दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को अपफ्रंट आकर के वोकल होने की जरूरत आ पड़ी है। और आप परसों डे बिफोर यस्टरडे अभिजीत गांगुली जो हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना संदेश खाली में हो गई और सरकार को पता नहीं थी। कैसे नहीं पता थी, कैसे नहीं पता थी? अच्छा वो क्योंकि बहुत एनर्जेटिक सारे केसेस को देख रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट जा करके उनके बारे में शिकायत लगाई जा रही है। जस्टिस अमृता माई लेडी जस्टिस अमृता सिन्हा जी के बारे में शिकायत लगाई जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जितने भी स्कैम के मैटर्स थे जो वो बहुत एनर्जी के साथ देखे जा रहे थे एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखे जा रहे थे अब उसको उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजेस के बेंच पर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने आपको पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी बताई कि जब वो खुद वहां पे संदेश खाली गई और खुद लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पे भी पथराव हुआ। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बन गया, जहां पे खुद पश्चिम बंगाल का एमएलए कहता है कि ये एक मिनी पाकिस्तान है। और हालात ऐसे हो गए हैं जहां पे हिंदू बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं बल्कि महिलाएं जेल में भी 196 महिलाएं जेल में भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।